तो हे गाइस, सरोजिनी के नाम पर हल्द्वानी में पुतला जलाया गया है। जी हाँ गाइस, जी हाँ दोस्तों, हाल ही में सरोजिनी ने अपने ब्लॉग वीडियो में हल्द्वानी को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया था, जिसके बाद हल्द्वानी के लोगों ने ही सरोजिनी का पुतला जलाया और काफी गुस्सा भी दिखाया। अब सरोजिनी ने ऐसा क्या बोल दिया जो हल्द्वानी के लोगों ने इतना गुस्सा दिखाया? तो सरोजिनी ने अपने ब्लॉग वीडियो में ऐसा क्या कह दिया है जो ये घटना हो गई है, चलिए मैं आपको उनके ब्लॉग का छोटा सा पार्ट दिखाता हूँ। मेरी वीडियो के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है। तो यहाँ पर सरोजिनी ने ये कहा कि हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, हल्द्वानी को अब सब मेरी वजह से जानने लग गए और इसी बात को लेकर हल्द्वानी के कुछ लोग बहुत नाराज हो गए हैं और बहुत गुस्सा भी दिखा रहे हैं और उन्होंने सरोजिनी के नाम का पुतला भी जलाया है और ये नारे भी लगाए हैं कि सरोजिनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो चलिए मैं आपको उनकी छोटी सी क्लिप भी दिखाता हूँ। हम लोगों ने कि भाई उत्तराखंड का आदमी हमारा आदमी करके हम लोगों ने उसका सप्लाई बड़ा बढ़ा के आज उसे करोड़ों रुपए कमा दिए। और उसने जो हाल ही में भी बयान दिया है एक दो दिन पहले, बोला ये उत्तराखंड को कोई जानता ही नहीं था, उत्तराखंड को लोग मेरे नाम से जानते हैं। मैं सौरभ दोषी में इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ कि मेरे नाम मुझे पता नहीं। देवभूमि उत्तराखंड को अभी से नहीं जानते लोग। देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार है, देवभूमि उत्तराखंड में क्या बोलते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ है। तो आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।